हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फलाफल। तो इसके लिए हमने लिए हैं काबुली चना, ये बॉयल चना है, ऑलिव ऑयल, हरी मिर्च और नींबू, ये ऑलिव ऑयल लिया है हमने यहाँ पर, लहसुन, तिल, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया। तब हम मिक्सी के जार में काबुली चना डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया, नींबू का रस, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, तिल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और अब हम इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डाले। तो ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है, इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, और एक चम्मच के करीब बेसन। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। लीजिए, अब हमारी बॉल्स बनकर तैयार है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारे फलाफल फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इनकी प्लेटनिंग करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे फलाफल और काबुली चने का हमस तैयार है। तो आप इन दोनों को एक साथ इंजॉय करें। तो हमस बनाने के लिए हमने ये काबुली चने बॉईल कर लिए हैं और उसके अलावा हमें चाहिए काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑलिव ऑयल और एक चम्मच के करीब ये सिकी हुई तिल, लहसुन और हरी मिर्च और नींबू। तो अब हम मिक्सर जार लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने, हरी मिर्च और लहसुन, और अब हम इसमें डालेंगे तिल, और अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च और आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, और इसमें डालेंगे अब नींबू का रस, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो इसमें तहीनी भी डाल सकते हैं। तहीनी बनती है सिके हुए तिल को ग्राउंड करके उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करके उसका पेस्ट बनता है। तो लेकिन अभी हमने इसमें सिके हुई तिल डाले हैं और ऑलिव ऑयल डाला है, तो हमें अलग से तहीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे सॉल्ट और अब हम इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी तहरी चने का हमस बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा, अब हम हमस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से डेकोरेट करेंगे। तो लीजिए, हमारा काबुली चने का हमस बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। थैंक यू।